हे गाइस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सनिलिया ब्लॉग्स। तो अभी हम लोग गोपालगंज के एक जगह थावे आए हुए हैं। अगर आप पहले से जो अगर इसका नाम सुने होगा तो जानते होगे कि थावे आखिर प्रचलित क्यों है, फेमस क्यों है। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ थावे में एक बहुत ही प्रसिद्ध माँ दुर्गा की मंदिर है जहाँ पे हम लोग आए थे, पर अभी COVID-19 के नॉर्म्स के कारण अभी यहाँ पे तो पूरी तरह से बंद है। पर अभी हम आपको ले चलते हैं और बाहर से यहाँ के दृश्य को, यहाँ माता की मंदिर को दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले अभी हम जिस जगह पे हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक बहुत ही सुंदर तालाब है जो देखने में काफ़ी ही सुंदर लग रही है और इसके अंदर काफ़ी सारी मछलियाँ भी है। तो ये एक जगह है जहाँ पर आते हैं जो भी भक्त आते हैं यहाँ पर, थोड़ी देर यहीं से जल लेकर पास में मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे जल अभिषेक भी कर लेते हैं, क्योंकि पास में यहाँ से एक शिव मंदिर भी है इसके पास में। तो चलिए अभी हम आपको लेके चलते हैं सबसे पहले दुर्गा माँ की मंदिर और यहाँ के कुछ मार्केट को भी। हम आपके यहाँ पे मंदिर के बाहर जो भी सारी दुकानें हैं जहाँ से आप आते हो तो कुछ भी खरीद सकते हो, उसे आपको दिखाते हैं। तो लेट्स गो। गुड मॉर्निंग, अभी हम NH 28 पे हैं और अभी हम गोपालगंज जा रहे हैं। वहाँ आपको माँ थावे वाले मंदिर लेकर चलेंगे और वहाँ के बारे में कुछ बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं। तो अभी हम लोग लगभग 20 किलोमीटर आगे बढ़े थे और मौसम का हाल मुजफ्फरपुर से मतलब 20 किलोमीटर आगे बढ़े पूरी तरह से चेंज हो गया। और ये आप देख सकते हो, मतलब बादल पूरी तरफ से घेर रखा है ऊपर में और देखने में यार कितना सुहावना मौसम लग रहा है। और बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, अभी कहीं पे हो रही है कहीं पे नहीं हो रही है। तो जैसे पीछे देखो, हो रही है कहीं पे नहीं हो रही है। तो अभी हम लोग पिपरा कोठी पहुँचने वाले हैं। पिपरा कोठी से लेफ्ट लेकर हम लोग फिर जो लखनऊ वाले रास्ता है दिल्ली को जोड़ती है उससे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके, अब रुकने का कारण आप समझ सकते हो यार, दोनों तरफ पानी ही पानी है और सामने आसमान में आप देख सकते हो बादल छाए हुए हैं। और ये जो व्यू है, ये जो ग्रीनरी आप देख रहे हो यार, आपका मन मोह लेगा इस बीच से ये रास्ता। ओहो, तो अभी हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे थे तो मेरे राइट साइड में अगर आप देखोगे तो ये केसरिया स्तूप अभी हम पहुँच गए हैं। मेरे राइट साइड में ये देखो, मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आपको मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप यहाँ पे जाकर इसके बारे में डिटेल वीडियो देख सकते हो। तो गाइस, विश्व की सबसे बड़ी बौद्ध स्तूप है। तो आप यहाँ कभी आते हो तो इस रास्ते से, मोतिहारी वाले रास्ते से कभी भी अगर जाते हो तो आप रुक कर यहाँ पर घूम सकते हो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली हम लोग गोपालगंज पहुंच चुके हैं। ये मेरे लेफ्ट साइड में गोपालगंज का बस स्टैंड है और आपने पीछे टाइम रैप देखा होगा, तो काफ़ी बारिश तेज़ हो रही थी जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो एक टाइम रैप ही बना दिया, तो जिसके कारण वीडियो का लेंथ भी बढ़ेगा नहीं। तो अभी यहाँ से जो थावे वाली मंदिर है बस 6 किलोमीटर दूरी पर है। तो अभी यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट आपसे मुलाकात होगी मंदिर के पास।
ऐसा लग रहा है। मंदिर जाने का रास्ता है दाहिने में, यही है यही है यही। हमको तो लगा कि मंदिर इतना लीजिएगा, 60 लीजिएगा, 50 वो रखा ना, काटा ना 50 घंटा के बाद खाला की तरह है तो खेला लो लो ना, दोनों 50 रुपया है, 60 रुपया वो लाइए ना, 100 टकिया दीजिए ना, दे रहा है 100 का दीजिए नोट, दे रहा है 60 को लीजिए। नहीं लेंगे तो छोड़ो ना आप, नहीं देना छोड़िए, पागल है ये। चल टॉल से भी महंगा है, हमसे तो सोच रहे थे टॉल लगेगा ही था। चौबे के लिए सरकार यही पे था ना मम्मी साथ अपने फिंगर से लगा दीजिए, इधर लगा, उधर उधर है मंदिर, उधर चलते हैं, इधर लगाना है पर पार्किंग, पार्किंग इधर है, पार्किंग इधर गाड़ी उधर लगा हुआ है, क्या किया जाए। नहीं तो मंदिर के अंदर चलो ना, और गाड़ी आगे देखो ना, मंदिर का फिर लगेगी। अच्छा अंदर घुसाने का ही हमको लगता है 7 रुपया है ना। मंदिर किधर है, मंदिर पार्किंग उधर लगा दो, अंदर लगा देते हैं, अंदर कहाँ लगा, अभी दूर दूर तक हमको नहीं दिख रहा है मंदिर, अंदर नहीं लगा। बस 200 मीटर की दूरी पे है, तो फिर उसके बाद चलते हैं आप प्रसाद चढ़ाएंगे मंदिर में और फिर आपको वहाँ के नज़ारे दिखाएंगे। तो अभी हम मंदिर के मेन द्वार के पास है और ये जो जितने भी एरिया देख रहे हो ये सब मंदिर के अंदर आता है, इसके चारों तरफ दुकानें आपको देखने को मिल जाएंगी। पर यहाँ आने के बाद हमें निराशा हाथ लगी क्योंकि कोविड, चलो भाई ले लो आप भी, क्योंकि कोविड नॉर्म्स के कारण जो है मंदिर अभी बंद है, गाइडलाइंस अभी आई हुई है कि मंदिर को खोलना नहीं है, तो इतनी दूर से आए भी और मंदिर भी खुली नहीं मिली, पर फिर भी पूजा हो रही है। और जो पीछे वाली गेट है तो ये आप देख सकते हो, ये मेन गेट है सामने, इसके चारों तरफ आप यहाँ देखो पूरे तरह से, जब यहाँ नवरात्र में आओगे तो मेले लगे मिल जाएंगे। तो चलिए अभी हम दूसरे गेट पे चलते हैं, वहाँ पूजा अर्चना करते हैं, प्रसाद भेंट, प्रसाद की भेंट चढ़ाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ॐ देवी भगवन्नारा तेरे पुत्रपुत्रो माता भूस्वरी सरिपाहि विश्वम तमेश्वरी देवी चराचरस्य सर्वमंगलमंगल्य शिवे साधिके सवित्रम लोके गौरी नारायण नमस्ते आपन अपन धैर्य सकल परिवार से बाधा विघ्न शांति सर्व मनोकामना पूर्ण हेतु देवी दर्शन सहित हाँ तो खुलवा ही देता है पानी बार लेते हैं, ओम बिंबर भगवान राधा जी आरती ले लीजिए भैया, कल्याण के लिए जय हो,
चलिए चलिए बाबू के लिए। पक्का ले लिया आओ करे सही अपन केकरा के करे सब अपन अपन भगवान तक तो चल तो अभी आपने जैसा देखा कि हम लोगों ने बाहर से ही पूजा कर लिया क्योंकि मंदिर आपने देखा कि बंद था और अभी हम जहाँ पे आए थे वहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि टाइम हो चुकी है लगभग 4 बजने वाली है और जो हमें काम थी वहाँ अभी निकलना है यहाँ से। तो ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे अभी मार्केट यहाँ का देख रहे हो, यहाँ अगर अभी कभी आप आते हो तो यहाँ आकर यहाँ पर जो भी चीज़ें होते हैं वो परचेज कर सकते हो यहाँ पर। तो अभी हम लोग यहाँ से लगभग यहाँ से हमें जहाँ जाना है वो यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पे ही है। तो वहाँ जाकर पहले सिविल सर्जन के ऑफिस में जाते हैं और वहाँ जाकर फिर आपसे मुलाकात करते हैं। अभी यहाँ पे उतनी चहल पहल नहीं है, यूजुअली आपको यहाँ पे नवरात्र में जब आओगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। तो चलिए अभी हम आगे चलते हैं, फिर आपसे आगे मिलेंगे। तो फाइनली जो जिस काम से आए थे वो काम नहीं हो पाया आज पूरा, फिर से कल आना होगा एक बार। तो मंदिर भी खुली नहीं थी पर फिर भी बाहर से दर्शन हो गया और अभी आप शाम होने मतलब सनसेट हो चुकी है और सामने आप देखो यार व्यू, यार पूरा नीला नीला आसमान दिख रहा है और व्यू यार इतनी अच्छी खूबसूरत आ रही है ना, क्या कहूँ। आप इंजॉय करो इसे। 75 चला रहे हैं, कितना चला है कोई भी नहीं खाली ट्रक बोला इतना हार के चला रहा है, अपने जरा रोड़ा पत्थर होता धंधा करे सब बता के चीज़ों से कभी कभी बोला रोड से रोज कितना एक्सीडेंट होता है खासकर बाजार। तो फाइनली अब हम लगभग थोड़ी देर में अपने घर पहुंच जाएंगे और नाइट काफ़ी हो चुकी है। तो होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।